जमात पंजुम के तलबा तालबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों, आज हम खतूत नबेसी के बारे में पढ़ेंगे कि खत जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, उसका बाकायदा क्या तरीका कार है। ठीक है, खत को आदि मुलाकात भी कहा जाता है। ये बात कि कौन पहले से जानता है कि खत को आदि मुलाकात भी कहा जाता है? शाबाश ध्यान, आप पहले से जानते हैं कि खत को आदि मुलाकात कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? बिल्कुल सही कि खत के जरिए दो लोग आपस में अपने हालात और वाकयात जो है वो एक दूसरे को बताते हैं, और इस तरीके से तहरीरी तौर पर दोनों की आदि मुलाकात हो जाती है, वो एक दूसरे के हालात से वाकफियत हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो खत लिखने को मक्तूब निगारी कहते हैं। खत लिखने को मक्तूब निगारी कहते हैं, और खत लिखने वाला मक्तूब निगार कहलाता है। खत लिखना मक्तूब निगारी कहलाता है, और खत लिखने वाला मक्तूब निगार कहलाता है। और इसी तरह जिसे खत लिखा जा रहा होता है वो उसे कहते हैं मक्तूब इले। जिसे खत लिखा जा रहा होता है उसको कहते हैं मक्तूब इले। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि खत कितनी अक्साम के होते हैं। ठीक है, उसमें हम खत की अक्साम देख लेंगे। खत की तीन अक्साम होती है। सबसे पहली निजी खतूत कहलाते हैं। अब इनमें सबसे पहली किस्म है इसकी निजी खतूत होते हैं। कुछ खतूत जो है वो इस तरह है कि जो वो खतूत जो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं और अपने अजीज व अकारिब को लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? निजी खतूत कहलाते हैं। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले खतूत निजी खतूत कहलाते हैं। ठीक है, और इसी तरह दूसरा है मामलाती, मामलाती खतूत। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें मामलात तय आते हैं, तो इसमें वो खतूत जो कि कारोबार के सिलसिले में आपस में बाहमी लेन देन के सिलसिले में किसी फर्द को या किसी कंपनी को या किसी इदारे को लिखे जाते हैं, तो वो खतूत जो है वो मामलाती खतूत कहलाते हैं। तीसरी जो किस्म है वो है सरकारी खतूत। ये जैसे हुकूमती इदारे हैं उनको जो खतूत लिखे जाते हैं ये खतूत सरकारी खतूत कहलाते हैं, और ये ज्यादातर इन खतूत को दरखास्त कहा जाता है। ये दरखास्त लिखने के से अंदाज में होते हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट के हुकूमती इदारे जो होते हैं उनको लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर दरखास्त की शक्ल में लिखे जाते हैं जो सरकारी खतूत होते हैं। ठीक है, ये तो थी खत की किस्में। हुसैन मेहंदी, खत की कितनी अक्साम है? तीन। कौन कौन सी? ठीक है, पहली कौन सी है? निजी खतूत। निजी खतूत किनको लिखे जाते हैं? रियान बेटा आप बताइए। शाबाश, जो हम अपने अजीज रिश्तेदारों को या दोस्तों को लिखते हैं वो निजी खतूत कहलाते हैं। ठीक है, और मामलाती खतूत आप बताइए बेटा। जी हाँ, जो के जिनमें बाहमी लेन देन या कारोबार के सिलसिले में
किसी कंपनी को या किसी फर्म को लिखे जाते हैं वो खतूत मामलाती खतूत कहलाते हैं। ठीक है, तीसरी किस्म है सरकारी खतूत। बेटा आप बताइए। हाँ, सरकारी खतूत वो खतूत होते हैं जो के हुकूमती इदारों को लिखे जाते हैं या हुकामे बाला को, और ये खतूत ज्यादातर आप जानते हैं दरखास्त की शक्ल में होते हैं। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे, ये तो खत की एग्जाम पढ़ ली। ठीक है, अब हम जो है वो खत लिखने का तरीका सीखेंगे कि वो क्या तरीका है जिसमें खत अच्छे अंदाज में आप लिख सकते हैं। खत लिखने का तरीका, खत को बाकायदा लिखने का शुद्ध तरीका और तरतीब होती है। अगर उसका ख्याल ना रखा जाए तो खत जो है वो पढ़ने वाले को भी मजा नहीं देता और ना ही उसका कोई खास का असर होता है। ठीक है, सबसे पहले खत में हम लिखते हैं मकामे रवानगी और तारीख। सबसे पहली जो चीज है वो है मकामे रवानगी और तारीख। इसमें हम क्या करते हैं कि जहां से जिस शहर से खत लिखा जा रहा होता है वो शहर लिखा जाता है, वो मकाम लिखा जाता है जहां से खत निर्वाना हो रहा होता है, जहां से लिखा जा रहा है, और बिल्कुल उसी के नीचे तारीख लिखी जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर, और ये बिल्कुल खत की पेशानी में दाएं तरफ लिखा जाता है। ठीक, मिसाल के तौर पर हम इसको किस तरह लिखेंगे, खत के पेशानी में दाएं जानब हम इसको लिखेंगे, अस लाहौर से खत लिखा जा रहा है, और बिल्कुल इसी के नीचे यहाँ वफा आएगा और इसके नीचे हम तारीख लिखेंगे, जिस दिन खत लिखा जा रहा होता है उस दिन की तारीख लिखेंगे। जैसे आज 16 दिसंबर है, आज हम खत लिख रहे हैं अगर, तो हम आज की ही तारीख डालेंगे। अब वो किस तरीके से लिखेंगे हम, 16 दिसंबर 2022 ईस्वी। ठीक है, यहाँ ये डेट तारीख आ जाएगी हमारी। तो मकामे रवानगी में जहाँ से खत लिखा जा रहा है उस शहर का, उस जगह का नाम होता है, और बिल्कुल उसके नीचे ही सीट में तारीख लिखते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है आपको जिस लगब से या जिस नाम से आप खत लिखने वाले को मुखातिब करते हैं वो अलकाब कहलाता है, और अलकाब लिखने के साथ ही फौरन हम आदाब के अल्फाज भी लिखते हैं, और यही से हमें पता चलता है कि खत जो है वो किसे लिखा जा रहा है, खत लिखने वाले का, और जिसको खत लिखा जा रहा होता है वो अलकाब व आदाब से ही हमें उनके बाहमी रिश्ते का पता चलता है। और ये जैसे आप अगर अपने किसी दोस्त को खत लिख रहे हैं तो आप उस कैसे मुखातिब करेंगे, बेटा आप बताइए। शाबाश, दोस्त को खत हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, हम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और साथ ही हम कोई दुआया अदाब के अल्फाज भी लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। तो ये है अलकाब व अदाब। अब अगर आप अपने वालिद मोहतरम को खत लिखते हैं
तो आप उनको कैसे मुखातिब करेंगे? आयान शाही नाम बताइए। शाबाश, अगर हम अपने वालिद साहब को खत लिख रहे हैं तो हम उनको मुखातिब करेंगे मेरे प्यारे अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम। और अगर बड़ी बहन को खत लिखा जा रहा है तो फिर आप कैसे मुखातिब करेंगे? बेटा बताइए। जी हाँ, प्यारी आपा जान अस्सलामु अलैकुम। अब तीसरी जो चीज है खत लिखने में वो आता है खत का मज़मून। तीसरी चीज अलकाबो आदाब के बाद जो आगे है आप लिखते हैं वो आता है खत का मजमून। और यही दरअसल खत का असल हिस्सा होता है, यही खत का असल और मरकजी हिस्सा होता है। और ये बहुत असल करने वाला और दिलकश अंदाज में लिखा हुआ होना चाहिए और बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा हुआ होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ पा सके। ठीक है, ये हम अलकाबो आदाब के बाद, तो खत का मजमून है अलकाबो आदाब के बाद नई सतर से हम शुरू करते हैं। जहां हमने अलकाबो आदाब यानी मुखातिब किया हुआ होगा खत लिखने वाले को, वहीं से अगली जो नई सतर है वहां से हम खत का मजमून शुरू करते हैं। ठीक है, और ये बहुत पुर असर होना चाहिए और छोटे छोटे इसमें फिक्रे होने चाहिए, छोटे छोटे जुमले होने चाहिए, बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं होने चाहिए, जुमलों का आपस में रब होना चाहिए, क्योंकि दरअसल यही खत का जो है असल मजमून होता है, असल हिस्सा होता है। और इसी के जरिए खत लिखने वाला खत लिखने वाले को अपने ख्यालात से और अपने वाक्यात से आगा कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है इस पर हमने बहुत तवज्जो देनी होती है। अब हम प्यारे दोस्त को खत लिखने हैं जैसे, तो हम कैसे खत का मजमून कैसे स्टार्ट करेंगे? जब हम यहाँ लिखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त अस्सलामु अलैकुम, और जब ये स्टार्ट हम लेंगे तो हम लिखेंगे कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ, और आपका खत मिला जिसे पढ़कर खत लिखने वाले भी उसमें जो भी मालूमात लिखी हुई है वो आप इसमें लिखेंगे और फिर आपके अपने जो हालात हैं वो इसमें सारे लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया खत का मजमून। उसके बाद है चौथी जो चीज आती है वो आता है खत का खात्मा। जब आप खत का मजमून पूरा जो आपने पास जो पैगाम उसको देना है खत लिखने वाले को, जब वो बातें आपकी सारी मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर हम खत को खात्मे की तरफ लेकर आते हैं और उसमें हमें दुआया अल्फाज लिखने होते हैं या बस सलाम हम उसमें लिखते हैं, कोई भी जैसे खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज या बस सलाम, इस तरह के अल्फाज से हम खत का खात्मा करते हैं। और बिल्कुल खत के नीचे बाएं तरफ जो है वो खत लिखने वाला अपना नाम लिखता है, नाम लिखने से पहले ऊपर वो अपना जिसे खत लिख रहा होता है उससे अपना रिश्ता लिख लेगा। ठीक है, जैसे अभी हम दोस्त को हम खत लिख रहे हैं तो दोस्त से आपका रिश्ता क्या है? दोस्ती का ही है। तो आप जब खत का खात्मा करेंगे तो फिर आगे में बाएं तरफ आप लिखेंगे कि आपका आपका प्यारा दोस्त, और फिर यहां पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर खत जो है वो असलम लिख रहा है तो वो अपना यहाँ पर नाम लिखेगा असलम खान। इसी तरीके से अगर आप जो है वो अपनी वालदा साहिबा को खत लिख रहे हैं तो फिर आप खत का खात्मा कैसे करेंगे? कि आपका आपका परमा बरदार बेटा
आनंद शांति। ठीक है, ये जिसको आप खत लिख रहे होते हैं उससे जो आपका रिश्ता होता है उसके हिसाब से ये आपका जो है खत का जो ये खात्मा है जो यहाँ रिश्ता लिखेंगे वो आपका तब्दील होता रहता है। ठीक है, उसके बाद सबसे जो आखिरी चीज है वो है पांचवें नंबर पर मक्तूब इले, यानी जिसको आप खत लिख रहे हैं ना उसका नाम और पता। ठीक है, जब आपका खत हर लिहाज से मुकम्मल हो जाए तो फिर आप आखिर में जिसको आप खत लिख रहे होते हैं उसका नाम और उसकी उसके घर का नंबर पूरा पता लिखा जाता है, घर का नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, शहर, वो पूरा पता जो है मुकम्मल आप लिखते हैं लिफाफे के बाहर ताकि जब वो खत जो है डाक के जरिए उस तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो मुकम्मल पता लिखा जाता है हमेशा। इसमें अगर आप नामुकम्मल पता होगा तो फिर आपका खत जो है वो मक्तूब-ए-इले तक पहुंचने से रह जाएगा। तो ये यहाँ पे ख्याल रखना होता है कि आप जो पता लिख रहे हैं उसका नाम और पता वो सारा बिल्कुल ठीक और मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक मिसाल के तौर पर एक खत लिख लेते हैं ताकि आपकी दोहराई हो जाए कि खत लिखने का तरीकाकार क्या है। आप खत लिख रहे हैं बड़े भाई के नाम। ठीक है, बड़े भाई के नाम खत लिख रहे हैं आप किस चीज के लिए कि बड़े भाई ने आपको नसीहतें की हैं और आपने उनको नसीहतों पर अमल करने की यकीन दहानी करानी है। नसीहतों पर यकीन दहानी आप उसमें करेंगे, आप अपने बड़े भाई को खत लिख रहे हैं। ठीक है, फैजुल हसन खत जब हम शुरू करेंगे बड़े भाई के नाम तो हम सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे बताते चाहिए मुझे। सबसे पहले क्या चीज थी? शाबाश। सबसे पहले हम मकामे रवानगी और तारीख लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, किस साइड पैस बताइए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल खत की पेशानी में दाएं तरफ हम लिखेंगे। आप कमरे इम्तिहान में बैठे आप खत लिख रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ किस क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए। शाबाश अस कमरे इम्तिहान, नीचे तारीख, तारीख आज खत लिखा जा रहा है 16 दिसंबर को, तो हमने 16 दिसंबर की तारीख डाली 16 दिसंबर 2022 ईस्वी। ठीक है, ये असल में ये क्या है, ये खत की का मकामे रवानगी और तारीख है। ठीक है, अब बड़े भाई को मुखातिब कैसे करेंगे हम, आयशा आप बताइएगा। शाबाश, हम बिल्कुल अगली जहां हमने तारीख डाली उससे अगली नई सतर में लिखेंगे और बिल्कुल यहाँ दरमियान में प्यारे भाई जान अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है खत में, अलकाबो आदाब। खत लिखने वाले को आपने किन नाम से किस लकब से मुखातिब करना है, उसको जो आपका रिश्ता होगा उसी हिसाब से ये उसका आप उसका लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी क्या चीज है, खत का नफ्स मज़मून। शाबाश बैठिए, अब हम बिल्कुल जहां पर हमने अस्सलामु अलैकुम लिखा है इससे नई लाइन से हम जो है वो खत का मज़मून शुरू करेंगे।
भाईजान मैं पहले आप अपने खैरियत बताएंगे। मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। ठीक है, उसके बाद आप उनको लिखेंगे कि आपका खत मिला, मैंने उसमें आपने जो मुझे नसीहतें की हैं वो मैंने पढ़ा, उनको सबको पढ़ा है और आपने मुझे लिखा है कि भाई नसीहतें कर रहे थे, आप मुझे लिखा है कि जैसे मैं जो है पढ़ाई पर तवज्जो दूँ और अच्छे तरीके से पढ़ूँ ताकि मेरा तुम्हारा जो है वो इम्तिहान में नतीजा अच्छा आए, नंबर अच्छे आए और अपना टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया नहीं करना। तो आपकी ये सारी नसीहतें मैंने पढ़ी हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इन पर इसी तरीके से अमल करूँगा जिस तरीके से आपने मुझे लिखा है, ताकि मैं जिंदगी में एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसके बाद जो ये सारा नफ़्स मज़मून आप यहाँ लिखेंगे, सारा पूरा अपने ही अल्फाज में आप लिखेंगे कि भाई ने आपको जो नसीहतें की हैं वो सारी आपने यहाँ लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद आपने खत का खात्मा करना, जब आपका नफ्स मज़मून पूरा हो जाए तो फिर आपने खत का खात्मा करना है और वो बिल्कुल आपने खत के बाएं तरफ, यहाँ पर आप, यहाँ पर आपने जो है वो दुआया कलमात लिखे हैं, यहाँ आपका नफ्स मज़मून आ गया। और यहाँ खत का खात्मा कैसे करेंगे, ए, मेरी तरफ से अम्मी जान और अब्बू जान को सलाम अर्ज कर दें। ठीक है, और यहाँ आप अगली लाइन में यहाँ लिखेंगे वस्सलाम। अब यहाँ पर आपने जो आपका रिश्ता है बड़े भाई के साथ वो लिखेंगे, आप बड़े भाई ने आपको खत लिखा है तो आप, आपका छोटा भाई, और यहां पर आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका खत मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अब आपका काम ये है कि हमने जो खत की किस्में और खत का जो तरीका है इस सब की आपने दोहराई करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये खत लिखने का तरीका याद रहे। शुक्रिया।